विश्व हृदय दिवस के अवसर पर जन्म से हृदय की बीमारी से पीड़ित बच्ची का हुआ ऑपरेशन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिन्हित जन्मजात दिल से निकलने वाली नस में तकलीफ से पीड़ित 8 वर्षीय मासूम बच्ची का अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज किया गया। इलाज के बाद बच्ची स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। पाली की रोहट तहसील स्थित ग्राम दूधिया निवासी मजदूर जोगाराम के अनुसार उनकी बेटी जन्म से ही दिल की बीमारी से पीड़ित थी। शुरू में चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी, किंतु उनके पास पर्याप्त पैसा न होने के कारण वे बच्ची का इलाज नहीं करा पा रहे थे। कुछ दिन पहले एक गांव की ही आंगनवाड़ी में बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंची मोबाइल हेल्प टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान बच्ची को चिन्हित कर उसका नाम जिला स्तर पर रेफर कर दिया। पाली के CMHO डॉक्टर RP मिर्धा, RCH उज्मा जबीन और ADN डॉक्टर शिव शंकर शर्मा ने इसमें उनकी मदद की और बच्ची को अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक रावत ने बच्ची का ऑपरेशन कर उसे ठीक कर दिया है। अब बच्ची स्वस्थ है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि मित्तल हॉस्पिटल में RBSK एवं आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा जैसी सरकारी योजनाओं में निशुल्क ऑपरेशन भी पूरी शिद्दत के साथ में किए जा रहे हैं। डॉक्टर, बेबी लता का आपने अभी एक प्रोसीजर किया है, क्या है प्रोसीजर, इसको क्या तकलीफ थी? लता बच्ची 6 साल की बच्ची है ये जी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से चिन्हित होकर हमारे पास आई थी जी। इसको एक जन्मजात दिल की बीमारी थी, जिसमें जो महाधन धमनी से एक नस निकलती है जो सामान्यतः 10 से 14 दिन में बंद हो जाती है पैदा होने के बाद। अच्छा। पर बच्ची में बंद ना हो पाई, उसमें जो साफ खून है और जो ख़राब खून है वो दोनों मिक्स हो रहा था इसका। ओके। और धीरे 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 करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है परेशानी बढ़ती जाती है जी। इसका ऑपरेशन ही इलाज रहता है जी। और समय से हमारे पास आ गई, इसके पिताजी काश्तकार हैं जी, जिन्होंने इनके पास इतनी नहीं थी कि ये कहीं इसका इलाज करा सकें जी। पर इनको राष्ट्रीय जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका फ़ायदा मिला, उसके बाद ये हमारे मित्तल हॉस्पिटल में आया और इनका निःशुल्क हमने ऑपरेशन किया। हमारी टीम ने पूरा सहयोग दिया, दिन रात काम किया और 2 दिन के अंदर ही ये बच्ची डिस्चार्ज के लिए तैयार। ओके डॉक्टर, ये जो इस तरीके की जो बच्चे हैं इनमें क्या तकलीफ क्या रहती है, मतलब इससे इनका? ऐसे जो साफ़ और गंदा खून मिक्स होता रहता है तो बच्ची की ग्रोथ नहीं हो पाती जी, भूख कम लगती रहती है। नॉर्मल बच्चों से कम ग्रोथ इसकी होती है, बार बार इसको निमोनिया की संभावना रहती है, बार बार इसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बार बार दिल में दर्द होता है, ये सारी परेशानी बच्ची को रहती है। इन सब परेशानियों से ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से निजात मिल सकती मिल जाती है और ये बच्ची अब नॉर्मल बच्चे की तरह ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएगी। इस प्रोसीजर में क्या कोई चीरा वगैरह या कुछ ऐसा कुछ? छोटा सा चीरा लगता है जो इसमें साइड से चीरा लगाते हैं, तो जिससे दिखे नहीं, जिससे दिखता भी नहीं है ना, सामने चीरा नहीं लगता इसके अंदर, साइड से छोटा सा 2 इंच का चीरा इसमें लगता है और 2 दिन के अंदर बच्चा डिस्चार्ज कर दिया। मित्तल हॉस्पिटल में इस तरीके के जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें मतलब ये सारा? बिल्कुल बिल्कुल, मित्तल हॉस्पिटल में सारी जो योजनाएं सरकारी, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य हो गया, भामाशाह हो गया, आयुष्मान भी हो गया, सारी रेगुलर नियमित तौर पे चल रही हैं और हम नियमित सेवाएं दे रहे हैं और निःशुल्क इलाज हो रहा है सब इस कोरोना काल के अंदर। थैंक यू। कार्ड बना के दिया, कार्ड से मैं पाली गया जी। पाली में हमारा एक CMCA ऑफिस है, वहाँ से मेरे को और कार्ड बना के दिए तो आदाब साहब के पास में ले गया, यहाँ मेरा इलाज सही हो गया। अब इलाज हो गया आपके बच्ची का? बच्ची अब अच्छे से है? बच्ची अच्छे से है जी। आपको मालूम हुआ ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसका इलाज हुआ है? पूरा आपका कोई खर्चा नहीं लगा? नहीं लगा जी। आप बहुत खुश हो? हाँ खुश हो सर जी। अस्पताल की व्यवस्थाओं से, डॉक्टर साहब से? नहीं, कोई परेशानी नहीं रही हमारी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए, अस्पताल के लिए? डॉक्टर साहब बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और जी हमारे बच्चे का इलाज किया, हमको इतनी आशंका नहीं थी भाई कि हमारे बच्चे का इलाज। आप काम क्या करते हो? मैं खेती का काम करता हूँ। अच्छा। और मेरी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये ऑपरेशन करवा सकूँ जी प्राइवेट में, तो सरकार की अच्छी योजना लगी आपको? ये योजना से मेरा काम हो गया तो अच्छा हुआ जी। आप खुश हैं माता जी? हैं
अब बच्ची आराम से स्कूल जाएगी, खूब खेलेगी कूदेगी, वापस नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगी, है ना जी।